हल्द्वानी में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से 100 मीटर दूर मोबाइल के ब्रांडेड शोरूम में लगभग 1.5 करोड़ के मोबाइल चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह चोर वन प्लस मोबाइल के शोरूम में 150 से अधिक मोबाइल चुरा कर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। SSP और SPCT सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ ही CCTV फुटेज खंगाल कर शातिर चोरों की तलाश में जुट गई है। SSP ने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए 2 टीमें भेज दी गई हैं। जल्द ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये 4 से 5 बजे की 20 की घटना है। इसमें 6 से 7 युवक जो है वो CCTV में दिखाई दे रहे हैं, और ये A1 करके जो दुकान है मोबाइल की, इसमें 3 महीने पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें एक एक्यूज पकड़ा गया था। इसमें पूरी घटना का CCTV फुटेज हमारे पास आ गया है। उसके आधार पर 2 टीमें हमारे यहाँ से रवाना हो गई हैं और जल्दी इसका खुलासा होगा। इसमें 150 करीब मोबाइल अभी तक जो उनकी सूचना है उसमें 150 मोबाइल करीब इसमें गए। इस दुकान के सामने एक प्राइवेट चौकीदार भी था और वो पूरे रात्रि के समय गायब था, क्योंकि 3 महीने पहले जब घटना हुई थी तो उस समय एक मीटिंग ली गई थी और उसमें चौकीदारों के लिए सतर्कता के संबंध में बार बार बताया गया था। अभी 3 दिन पहले ही जब कोतवाल ने आपका वहाँ पे गार्ड अनुपस्थित देखा था तो इनकी एजेंसी को भी बताया था कि वो गार्ड जो है वो दुकान पे नहीं रह रहा है, और इस संबंध में भी उससे पूछताछ की जाएगी कि कल वो किस कारण से गायब था, और उनकी एजेंसी से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा, क्योंकि ये किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया है। तो क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर चौकीदार गायब होता है और उसके वजह से कोई अगर घटना होती है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।